हेलो एंड वेलकम बैक, वेलकम टू द वर्डप्रेस सीरीज। इस सीरीज के अंदर में हम ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर में, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा, उसके अंदर में हम अपने कंप्यूटर के अंदर, कोई भी कंप्यूटर हो, जैसे आपके पास मैक हो या फिर विंडोज़ हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में वर्डप्रेस आप अपने कंप्यूटर के अंदर में इंस्टॉल करके सीख सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। पिछले लेक्चर में आपको बताया था किस तरीके से हम वर्डप्रेस को अपने लोकल होस्ट या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो इसे जस्ट पिछले वाले चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाला वर्डप्रेस सीरीज का, कैसे हम उसमें कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल करेंगे, उसके बाद ब्लॉग का एक अलग प्लेलिस्ट होगा और एक प्लेलिस्ट होगा ई कॉमर्स वेबसाइट का होगा। तो अब बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं कैसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं पिछले लेक्चर का कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, अगर आपने देख रखा होगा तो मैंने पिछले लेक्चर में एक जैम्प नाम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था। ठीक है, अगर आपने को नहीं पता, जैम्प ही के कारण हम अपाची और MySQL को हम ओपन कर पाते, सॉरी PHP और MySQL को हम ओपन कर पाते। ओके, तो आपने ये इंस्टॉल कर रखा होगा पिछले लेक्चर में। आपको क्या करना, अगर आपने पिछला लेक्चर देख रखा हो तो आप नॉर्मली जाना है यहाँ पे XAMPP लिखना सर्च में जाकर। ठीक है, यहाँ पे आपको जैम्प कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, इसे आपको ओपन कर लेना। ओके, ये कुछ इस तरीके के यहाँ आपको डैशबोर्ड मिलेगा। इसे ओपन करने के बाद सबसे पहले हम क्या करें, अपाची को यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, और यहाँ दूसरे नंबर पर आपको MySQL दिख रहा है, हो सकता है MySQL का नंबर चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपाची यहाँ पर देखना है और यहाँ पर MySQL देखना है। ओके, उसके हिसाब से दोनों को आपको यहाँ पर स्टार्ट कर लेना। ओके, ये जब हम अपने लोकल होस्ट के अंदर में डेवलप करेंगे ना ऐप, तब के लिए। ओके, अगर आपके पास कोई डोमेन और होस्टिंग है तो पेशेंस रखिए, मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक डोमेन और होस्टिंग है तो मैं इस पर भी बताऊंगा। सेम वही प्रोसीजर होगा जो आप अपने लोकल होस्ट के अंदर में वर्डप्रेस के अंदर की थीम इंस्टॉल करेंगे या फिर कुछ प्लगइन्स वगैरह इंपोर्ट करेंगे, तो सारा चीज़ होगा वो सेम, हमारे ऑनलाइन भी सेम होगा, कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा माइनर का, वो मैं आपको वहाँ पर गाइड कर दूंगा कि अगर आप लोकल होस्ट में कर रहे हो तो यहाँ पर ये चीज़ को चेंज कर लेना। ओके, तो नॉर्मली आप जाना यहाँ पे, उस पर आप अपने URL में, और URL में जाकर वो लिखना है यहाँ पे localhost/wordpress/login। आपको यहाँ पे साइट में दिख रहा होगा क्या लिखना है आपको। ओके, तो ये देखो, मैं पिछले लेक्चर में अपने अपना ID और पासवर्ड सेट किया था यहाँ पे admin, ये जो साइट है ये मेरे कंप्यूटर के अंदर में, तो इसका मैं पासवर्ड अगर दिखा भी दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर इंटरनेट पर होता तब अगर मैं आपको पासवर्ड दिखा दूँ तो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो यहाँ आपको नॉर्मली, अगर आपने पिछला लेक्चर देख रहा होगा तभी आपको पता होगा कि ये URL सब कैसे आ रहा है। ओके, तो आप आराम से जाना यहाँ पे, इसे लॉगिन कर लेना, और उसके साथ साथ आराम से इसे लॉगिन करना। और देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आ गया, ये मेरा जो है, ये जो पेज है ये केवल एडमिन को दिखेगा, जो एडमिन है साइट का, जो इसके अंदर में पोस्ट को एडिट करेगा, कमेंट करेगा, को अप्रूव करेगा या फिर कुछ पोस्ट वगैरह डालेगा, उसको ये केवल डैशबोर्ड दिखेगा। अगर कोई यूज़र आता है आपके साइट के ऊपर में, अगर वो देखना चाहते हैं वो साइट किस तरीके का है, तो आप देखो उसके लिए साइट किस तरीके का दिखेगा वो मैं आपको दिखा दूँ। ओके, तो मेरा इनकॉग्निटो ओपन हो गया। अगर अब मैं यहाँ पे ओपन करूँ localhost/wordpress, तो उसको कुछ इस तरीके का साइट दिखेगा। अभी मैं इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं किया हूँ, केवल हमने पिछले लेक्चर में और वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था, इसलिए टूटा फूटा यह दिख रहा है। ठीक है, अगर यही जो यूज़र है इसके पास, अगर आपके पास आपका ID और पासवर्ड हो तो आराम से जाएगा ये यहाँ पे। इसलिए आप अपने ID को थोड़ा स्ट्रॉन्ग और पासवर्ड को भी स्ट्रॉन्ग रखना, ताकि कोई यूज़र आपका चोरी नहीं कर ले। ओके, अगर लोकल होस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अगर यहाँ पे सपोज कीजिए एडमिन और पासवर्ड डालूंगा तो मैं फिर से यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे सामने एड जो मेरा डैशबोर्ड है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा और मैं इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आप अपने ID और पासवर्ड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रखना, कि कोई हर एक यूज़र आपका ID और पासवर्ड नहीं देख ले। ओके, अगर जनरली अगर आप यूज़र के हिसाब से देखना चाहते हो तो साइट कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसे रिमूव कर दूँ तो ये दिखेगा, इसे मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ये कन्फ्यूजन मैं आपका दूर कर देंगे। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो एडमिन मेरे पास है, एडमिन पैनल मेरे पास है, वो सबके पास तो नहीं दिखेगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये आराम से आप इसे देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है, ये पूरा इसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पोस्ट का ऑप्शन है, पोस्ट में अगर सपोज कीजिए आप कुछ कोई प्रोडक्ट के बारे में लिखना चाहते हो कि ये प्रोडक्ट मेरा ऐसा है, इस टाइप से है, जैसे ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखते हैं ना, वो इसमें लिख सकते हैं। ओके, इसके बारे में आगे आपको और अच्छे तरीके से बताऊँगा। उसके जस्ट नीचे मीडिया है, जितना आपके साइट के ऊपर में इमेज वगैरह होगा या फिर कोई वीडियो वगैरह होगा, वो सारा इमेज आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, उसके जस्ट नीचे पेज है, तो पेज में हमारा जनरली होता है अबाउट अस होता है, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारे जितना होता है वो हमारा पेज में होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊँगा, कैसे हम प्राइवेसी पॉलिसी को क्रिएट कर सकते हैं, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस का पेज, जो आपके साइट में अगर कोई यूजर आके आपसे बात करना चाहता है तो ये सब कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हम आगे देखने वाले। ओके, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है, अगर कोई आता है आपके साइट के ऊपर में, कोई कमेंट करता है कि ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा या फिर इसमें ये चेंजेस कर लो, ये कुछ भी जो भी आपको रिव्यू देना चाहता है, एक तो होता है हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज और एक होता है हमारा कमेंट। तो कमेंट हमारे एक पोस्ट के जस्ट नीचे होता है, जैसे यूट्यूब के नीचे होता है कमेंट, जैसे आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। ओके,
उसके जस्ट नीचे यहाँ पे अपीयरेंस है, और अपीयरेंस के अंदर में बहुत सारा चीज़ें होता है। यहाँ पे थीम इंस्टॉल करने का ऑप्शन होता है, जैसे सपोज कीजिए अगर आपके पास लोकल होस्ट है तो आप जाना आराम से, यहाँ पे ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे ओके। और यहाँ पे देखो सर्च थीम का जो ऑप्शन है, यहाँ पे जाकर मैं लिखूंगा एस्ट्रा ओके, और यहाँ पे सर्च होने दूंगा। ये देखो एस्ट्रा थीम को इस लेक्चर में इंस्टॉल करने वाला, क्योंकि हम एस्ट्रा इंस्टॉल करके ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने वाला ओके। तो नॉर्मली क्या करना है, अगर आप लोकल होस्ट पे तो भी ये कर सकते हो, अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग है तो भी आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो ओके। और यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर देना है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी एक मिनट का टाइम लग सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ऑनलाइन अगर कोई यूज़र कर रहा है किस तरीके से, अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग है तो आप कैसे इसे कर सकते हैं ओके। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, अगर आपके आपके पास डोमेन और होस्टिंग है तो आपको मिल जाएगा आराम से। डोमेन और होस्टिंग के अंदर में आप वर्डप्रेस को आराम से इंस्टॉल कर लेना, उस पर ये आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, पता चला आप आकर के मेरे साइट की तहस नहस कर दोगे ठीक है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्लगइन आपको थोड़ा सा दिखेगा इसके कंपेयर में ठीक है। अब देखना यहाँ पे इसके नीचे माइग्रेशन का भी है, तो ये ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन, अगर सपोज कीजिए आप अपने साइट का बैकअप बनाना चाहते हो या फिर कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओके। और यहाँ पे डब्ल्यू पी फॉर्म है, ये ऑनलाइन अगर आप करते हो तो ये आपको मिलता है ओके। ये दो चीज़ आपको यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट स्पीड कैचे का मिलेगा, बहुत सारे पेज को एकदम शॉर्ट कर देता है, एकदम जितना भी स्पेसेस होता है उसको रिड्यूस कर देता है, जिससे कि अगर आपका साइट को यूज़र ओपन करते हैं ऑनलाइन तो स्पीड बढ़ जाता है ओके। तो इन ये सब चीज़ें आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेगा अगर आप अपने सिस्टम में इसे इंस्टॉल कर रहे हो, तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया था ओके। अगर इसके बाद क्या करना, आप मैं इसे ऑनलाइन दिखाता हूँ, तो यहाँ पे भी आप अपीयरेंस में जाना, यहाँ पे थीम पे क्लिक करना ओके। थीम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एस्ट्रा लिख देना ओके। और एस्ट्रा लिख के आप सबसे पहला जो मिलेगा यहाँ पे एस्ट्रा, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन ये बहुत तेज़ी से काम करेगा, ऑफलाइन में हो सकता है आपको, डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना स्पीड है, इसके अकॉर्डिंग आपका काम करेगा ओके। और आपका सिस्टम, आपका इंटरनेट बहुत सारा डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपके पास सर्वर है तो यहाँ पे ये काफ़ी तेज़ी से काम करता है ओके। तो देखो मैं यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया, इसे मैं क्या करूँगा एक्टिवेट कर दूँगा ओके। यहाँ ये एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं सारा चीज़ जो है ना वो आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप सेम प्रोसीजर कर सकते हैं, जो जो चीज़ें मैं ऑनलाइन करूँगा ना वही चीज़ आप एकदम सेम ऑफलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ओके। यहाँ पर आपको देख लेना है, और उसके जस्ट नीचे आपको एक बार इस पेज को क्या करना है, यहाँ से रिफ्रेश कर देना ठीक है। हमने यहाँ पर जो ये इसे इंस्टॉल कर लिया ओके। जब हम एस्ट्रा को एक्टिवेट कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा, उसके जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे एक एस्ट्रा मिलेगा। ये जस्ट आज ही अपडेट आया है, कल तक जो मैं सीखा था उसमें बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पे आ रहा था, अपीयरेंस के अंदर में यहाँ पे सारी चीज़ आ जा रहा था, लेकिन ये एक नया प्लगइन मेरे को मिल गया है ठीक है। तो हम यहाँ पे एस्ट्रा पे क्लिक करेंगे, और मैं पहली बार इसको यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने, पता नहीं यहाँ पे क्या क्या चीज़ मुझे देखने को मिलेगा ओके। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या मुझे मिलता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो ये स्टार्टर टेम्पलेट है इसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ ओके। आप देख ले लो, ध्यान से रखो यूजफुल के अंदर में, हो सकता है आपके वर्जन अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आराम से जाना यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर में, और अपीयरेंस के अंदर में जो थीम होगा वहाँ से अपडेट कर लेना आप अपने प्लगइन को ओके। और यहाँ पे करेंगे बिल्ड योर साइट नाउ, ये कल तक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दिख रहा था, मैं थोड़ा सा क्लिप दिखा दूंगा जो मैंने कल रिकॉर्ड किया था, क्योंकि वहाँ मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा था इसलिए वीडियो को मैं हटा दिया था ठीक है। यहाँ देखो दो तीन ऑप्शन में, ये पेज बिल्डर है हमारा, किस तरीके से हम सपोज़ कि आपको कुछ एडिट वेडिट करना है पेज के अंदर, जैसे सपोज़ कीजिए अगर आपका ये साइट होता यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो, तो अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप आराम से, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर डालूंगा एलिमेंटर, क्योंकि एलिमेंटर मुझे पसंद है इसलिए ओके। और मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिक स्टोर बनाने वाला हूँ, ऑर्गेनिक स्टोर के अंदर मैं कुछ जैसे कुछ मैं सेल करूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से काम करता ओके। बहुत सारा प्लगइन है देखो जिसके ऊपर प्रो नहीं प्रीमियम नहीं लिखा, वो आराम से आप इंस्टॉल कर सकते ओके। तो मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिक स्टोर बनाना चाहता हूँ ठीक है। अगर आपके पास कोई लोगो वगैरह है तो ये लोगो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप स्किप एंड कंटिन्यू कर सकते हैं ओके। अगर आप यहाँ पे कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, सपोज कीजिए शॉप नाउ का अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखो कोई भी जिस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली उस हिसाब का कलर यहाँ पे बन जाएगा ओके। अगर सपोज कीजिए आपको ये पसंद आता है तो ये कर सकते हैं, या फिर मुझे ये पसंद आया तो मैं ये रहने देता हूँ ओके। अगर आप ये टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो ये देखो इसका फॉन्ट स्टाइल को, तो ये देखो जिस पे मैं क्लिक करूँगा वो फॉन्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा ओके। ये अभी मैं सिलेक्ट कर रखा हूँ इसलिए ये येलो से दिख रहा था, अब यहाँ पे मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, मुझे ये फॉन्ट पसंद आ गया। चिंता मत कीजिए, मैं आपको हर चीज़ एडिट करना बताऊँगा, जब हम एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको पता चलेगा किस तरीके से हम इसे एडिट कर सकते ओके। और मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अपडेट वगैरह आता है ना थीम से रिलेटेड तो आपको ये मेल पर सेंड कर देगा ठीक है। और यहाँ पे ये जो जितना भी ऑप्शन नीचे वाले सबको यहाँ पे टिक रहने थे, किसी को भी आपको अनटिक नहीं करना, सारे को टिक रहने देना है। और यहाँ पे
सबमिट एंड बिल्ड माई साइट पे आपको क्लिक कर देना है। ये मे बी 1 मिनट 1.2 मिनट के आसपास लेगा, बहुत तेज़ी से यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा सारा का सारा जितना भी प्लगइन्स है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके और सेम यही जितना देर ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको दिखाता हूँ लोकल होस्ट में किस तरीके का दिख रहा है। ओके अगर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट में आ जाऊँ और एस्ट्राइम मेरा एक्टिवेट होगा, यहाँ पे भी वही ऑप्शन आपको दिख रहा है। ओके अब तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लेना। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा अगर आप अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं तो डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कैसा है और आपके सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। ओके यहाँ मेरा इंस्टॉल हो रहा है, तब तक देखता हूँ ये कौन सा पहले इंस्टॉल होता है। इंस्टॉल हो गया है, अब ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है अब ये पेज मेरे सामने रिफ्रेश हुआ 23%। अब अगर सपोज कीजिए इसमें से वही थीम अगर आप भी और लगाना चाहते हो आप लोकल होस्ट, तो देखो ये रहा यहाँ पे ऑर्गेनिक स्टोर करके, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ मैं सीधे ये पेज लोड होते ही यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, यहाँ पे कंटिन्यू सेम सारी चीज़ों को टिक रहने देना है। बिल्ड माई साइट, ओके ये थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे ये देखता हूँ यहाँ पे ये हो चुका है मेरा, ऑनलाइन हो चुका है, ऑफलाइन मेरा यहाँ पे हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बता रहा हूँ ताकि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो उस चीज़ों को समझने में। पिछले लेक्चर मैंने 2 बार इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया लेकिन मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा था इसलिए मैंने दोनों को डिलीट कर दिया। इस बार मैं बहुत आराम से पेशेंस के साथ बोल रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर ताकि फिर से मुझे डिलीट नहीं करना पड़ जाए। ओके ये मेरा हो गया, ये थोड़ा टाइम लिया, देखो यहाँ पे 1.4 मिनट के आसपास लिया। अगर मैं साइट को देखना चाहता हूँ इस पर मैं क्लिक करूँगा और एक बार मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा क्योंकि ये पहले से ही कुकी जो था इसमें स्टोर था। ओके ये देखो बिल्कुल मेरा साइट जो यहाँ पे ओपन हो चुका है, ये देखो ये मेरा साइट जो है ये कुछ इस तरीके का मेरा पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज़ कीजिए यहाँ पे एवरीथिंग वगैरह को अगर आप चेंज करके इस साइड लाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो करेंसी का जो ऑप्शन है यहाँ पे डॉलर में है तो इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए टेक्स्ट लिखा हुआ इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये इमेज है इसे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। ओके मैं ऑफलाइन में थोड़ा ये टाइम ले रहा है। ओके तो ये आपने देख लिया, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करता हूँ। ओके तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।